महानगर को सोमवारी जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने मोर्चा संभाला और शहर के विभिन्न चौराहों का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि महानगर को जाम से निजात दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है तथा जनपद सोमवारी जाम के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि सोमवारी जाम नागरिकों की निजात दिलाने के लिए कुछ रास्तों को वन वे किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चौराहे से पैडलगंज चौराहे की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया गया है तथा विश्वविद्यालय चौराहा से छात्र संघ चौराहे की तरफ आने वाला ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया गया है तथा ये ट्रैफिक विश्वविद्यालय चौराहा मोहद्दीपुर होते हुए जा रहा है और विश्वविद्यालय चौराहा से छात्र संघ चौराहे की तरफ आने वाले ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया गया है तथा शास्त्री चौक से अंबेडकर चौराहे की तरफ आने वाले ट्रैफिक को भी प्रतिबंधित किया गया है तथा यह ट्रैफिक कचहरी चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा, ट्रैफिक को लेके काफ़ी हम लोग सजग हैं और लगातार उसके प्रयास किए जा रहे हैं कि हम गोरखपुर को जाम मुक्त ट्रैफिक दे सकें। और आज जैसे से गोरखपुर सोमवारी जाम के लिए प्रसिद्ध है, आज हम लोगों ने वन वे किया हुआ है इधर से पैडलेगंज से छात्र संघ यूसरी चढ़ा होते हुए मोदीपुर की तरफ। देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहता है। और इसके अलावा हमने बसेस को भी बाहर आज रखा है, रोडवेज की बसेस को भी और प्राइवेट बसेस को भी, क्योंकि तो वही बसें बेतरतीब खड़ी होती है जिसकी वजह से जाम की समस्या रहती थी, तो उसको भी आज हम लोग ये एक किया है कि बाहर खड़ी रहें सोमवार को और वहीं से ऑपरेट करें। जो 900 बस अड्डा है, राप्ती नगर बस अड्डा है, वहाँ से ऑपरेट करने के लिए गया है। बाकी इधर से जो ट्रैफिक है अंबेडकर चौराहे की तरफ कोई ट्रैफिक जाए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ नाला निर्माण का काम चल रहा है। शास्त्री चौक से ट्रैफिक को अंबेडकर की तरफ नहीं आने दिया जा रहा है, उसको सीधे निकाला जा रहा है। तो ये कुछ हम लोगों ने डायवर्जन आज किए हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। वन में अगर सफल रहा तो क्या आगे भी किया जाएगा? अगर सफल रहता है तो आगे भी किया जाएगा और इसको हम लोग और भी जगह देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वन वे हो सकता है। और लगातार हम लोग का प्रयास जारी है कि शहर को जाम मुक्त कर सकें।